आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ पूरी हाइलाइट्स, इसलिए वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। तो चलिए, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, भारतीय टीम ने बॉलिंग करने का फैसला कर लिया है, माफ़ कीजिएगा, ऑस्ट्रेलियन टीम ने बॉलिंग करने का फैसला कर लिया है। ऐसे में देखा जाए तो भारतीय टीम की तरफ से जी हाँ, रोहित शर्मा कल कुछ दूसरे ओडीआई में कुछ खास नहीं कर पाए। ऐसे में भारतीय टीम को काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि शुभमन गिल भी जी हाँ, बिना खाता खोले विकेट खो गए। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारतीय टीम तीसरे ओडीआई मैच में जीत पाएगी? दरअसल आज की इस वीडियो में आपके साथ पूरी प्लेइंग 11 साझा करने वाला हूं, कौन से बड़े बदलाव भारतीय टीम में होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दिल से लाइक करना ना भूलना, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक शानदार कप्तान मानते हैं तो। तो चलिए दोस्तों, तीसरी और अंतिम निर्णायक मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीमें एक एक के बराबरी पर है। जो भी इस मुकाबले को जीतेगा श्रृंखला उसके नाम हो जाएंगी। वैसे भारतीय टीम की तरफ से रोहित शर्मा यही चाहेंगे कि अपने होम ग्राउंड पर जी हाँ चेन्नई में भारतीय टीम को इस मैच में जी हाँ बड़े अंतर से जीत दिलाकर ऑस्ट्रेलियन टीम का घमंड चकना चूर चूर करना चाहिए। जिस तरह से शुभमन गिल भी इस पूरी ओडीआई सीरीज में फ्लॉप रहे, ईशान किशन भी पहले मैच में नहीं चल पाए, वो तो पिछले मैच में अच्छा था कि रन मशीन विराट कोहली जो कि 33 रनों पर आउट हो गए, लेकिन उन्होंने भारतीय टीम के लिए बहुमूल्य समय पर वह 31 रन बना पाए। दोस्तों, दरअसल दूसरी तीसरे और अंतिम निर्णायक मैच में भारतीय टीम की तरफ से दो बड़े प्लेइंग 11 में बदलाव होने वाले हैं। तो वे कौन से बदलाव रहेंगे, साथ में भारतीय टीम किस मकसद के साथ उतरेंगी, पूरी इस वीडियो में हम जानकारी देने वाले हैं। दरअसल भारतीय टीम की तरफ से जी हाँ, रोहित शर्मा कप्तानी करने वाले हैं और जी हाँ, सूर्य कुमार यादव की अगले मैच में छुट्टी होने वाली है। क्योंकि देखा जाए तो जी हाँ, सूर्य कुमार यादव बस वो T20 मैचेस में आपको चमकते हुए नजर आते हैं, लेकिन ODI मैच में उनके कुछ भी आंकड़े कुछ खास नहीं रही है। ऐसे में भारतीय टीम को श्रृंखला जीतने के लिए श्रेयस अय्यर की वापसी होने वाली है। जी हाँ, सही सुना आपने, श्रेयस अय्यर की इस बार वापसी होने वाली है, जो कि चौथे नंबर पर आपको भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, दूसरा जो कि बड़ा बदलाव होने वाला है, ईशान किशन फिर एक बार लौट सकते हैं टीम इंडिया में, क्योंकि जिस तरह देखा जाए तो अक्षर पटेल की जगह पे आपको जी हाँ, यूजी चहल भी दिखने वाले। ये तीन बड़े बदलाव होने वाले हैं भारतीय टीम में, आई होप आप समझ रहे होंगे। और दरअसल देखा जाए तो ये मैच का वेन्यू का आप यहाँ इसे देख सकते हैं, दरअसल ये मैच भारत में ही खेला जाने वाला है, इसलिए आपको ये 2 बजे लाइव आपके जियो टीवी पर आप देख सकते हैं इसे, बिल वो भी बिल्कुल फ्री में अगर आप जियो के प्रीमियम मेंबर हो तो। देखा जाए तो इस मैच में कितने चांसेस है भारतीय टीम के, जी हाँ 50% चांसेस दोनों भी टीम के लिए। बात की जाए तो ग्राउंड पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनने के चांसेस, क्योंकि अब तक पिछले सभी के सभी रिकॉर्ड का अगर हम देखा जाए तो सभी की टीमों ने यहाँ पे जो है 300+ रन स्कोर किए गए न्यूनतम, यानी कि ये समझ लीजिए आपकी ये अगला मुकाबला जी हाई स्कोरिंग मुकाबला रहने वाला है। दोस्तों, बात की जाए सेकेंड ODI में, तो जी हाँ भारतीय टीम की तरफ से कुछ खास प्रदर्शन नहीं था, इसलिए रोहित शर्मा चाहेंगे कि इस मुकाबले में जी हाँ, तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारतीय टीम कुछ बड़ा स्कोर कर पाए। देखा जाए इस पिच रिपोर्ट की, तो हमने बात कर लीजिए दोस्तों वेदर फॉरकास्ट और जी हाँ, बारिश की संभावना इस मैदान पर नज़र आती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जी हाँ, चेन्नई अगर हम बात की जाए तो भारतीय टीम के भारत में कई जगहों पर अभी बारिश फिलहाल चालू है, इसके कारण जी हाँ, चेन्नई में भी पिच रिपोर्ट और वेदर फॉरकास्ट के अनुसार जी हाँ, कुछ हल्की बारिश होने के चांसेस है। मैदान में देखा जाए तो जी हाँ, पूरा मॉइस्चर है, इसलिए थोड़ी खेलने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन सभी की सभी टीमें चाहेगी कि कुछ बड़े अंतर से इस मुकाबले को जीता जाए और जीत हासिल की जाए। बाकी आप इसके बारे में क्या राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, हम आपको ऐसे क्रिकेट रिलेटेड अपडेट साझा करते रहते हैं, इसलिए आपका हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है मेरे दोस्तों।
बात की जाए भारतीय प्लेइंग 11 में, हम जिस तरह से आपको बता दिया कि दो बड़े बदलाव साथ ही में तीन बड़े बदलाव भारतीय टीम में होने वाले, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम में कुछ भी वाला बदलाव हमें देखने को नहीं मिलने वाले, क्योंकि देखने तो ऑस्ट्रेलिया पहले से बैलेंस टीम मानी जाती है। इसमें सभी के सभी ऑलराउंडर्स काफ़ी पुराने ऑलराउंडर्स बड़े पड़े हैं इसमें। जी हाँ, अगर स्टीव स्मिथ कोई चेंजेस करना चाहते तो वो रहेगी कप्तान एरन फिंच, या इनकी वापसी इस बार मैच में हो सकती है। और अगर एरन फिंच होते तो फिर मिचेल मार्श अपने पुराने पोजीशन यानी कि तीसरे पोजीशन पे आ जाएंगे। साथ ही में देखा जाए तो जी एक बड़े बल्लेबाज आज के इस बार डगआउट में उठाया जा सकता है जो कि एलेक्स कैरी हो सकते हैं। वैसे फिलहाल इसके ऊपर जो है कोई बड़ा अपडेट नहीं आया है, जैसे हमें अपडेट मिल जाएगा हम आपको तुरंत साझा बात कर देंगे। अगर इसके हाइलाइट्स चाहते हैं तो आपको जो है शाम 7 बजे इसी चैनल पे आपको हाइलाइट्स अपलोड करती हुई मिल जाएंगी। दोस्तों कॉपीराइट इशू के कारण हम थोड़े ही देर इसे अपलोड करते रहते हैं, इसीलिए आपको जी है शाम 7 बजे आपको यहाँ पे आना है और आप इस चैनल को वॉच कर लेना है। और बता दी जाए तो ये मुकाबला आपको जी हाँ जियो हॉटस्टार पे आपको ये मुकाबला मिल जाएगा। साथ ही हम आपको IPL रिलेटेड अपडेट्स भी देते रहते हैं और IPL के सभी मैचेस के हाइलाइट्स हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ फिर एक बार मिलेंगे। टिल द टाइम कीप वॉचिंग, बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप वीर शर्मा को बेहतरीन कप्तान मानते तो इस वीडियो को लाइक करना, साथ ही में आपके दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करना, क्योंकि क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स के लिए आपके लिए ये चैनल काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप भी ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते तो आपके लिए मैं बता दूँ आप इसमें रोहित शर्मा को जो है कप्तान बना सकते हैं। वैसे दोस्तों ये गेम इन्वॉल्व्स फाइनेंशियल रिस्क, प्ले एट योर ओन रिस्क।